शैतानी पूल। मनोज और हेमंत दोनों कार ड्राइवर थे। एक दिन वो दोनों बात कर रहे थे। हेमंत, तुमने सुना है कि उस नदी के पूल पर कोई शैतानी साया रहता है? मैं एक रात को कार लेकर वहाँ से जाने वाला था, तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि अमावस की रात में वो पूल पार करके जाना ठीक नहीं है। एक बार एक ऑटो वाला उसी पूल पर अपनी ऑटो लेकर जा रहा था, तभी उसकी ऑटो पूल के बीचों बीच ही रुक गई और एक भूत ने उसे पकड़कर मार डाला। उस दिन से अमावस की रात को कोई उस पूल पर नहीं जाता। क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानता इन सब बातों को। हमारा तो काम ही ऐसा है कि दिन हो या रात, हमें किसी भी जगह जाना ही पड़ता है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी जान की कीमत तो सबसे ज्यादा होती है ना। हाँ, वो भी है। फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। एक अमावस की रात हेमंत एक आदमी की सवारी लेकर निकलता है। उस आदमी को उसकी जगह पर छोड़ने के बाद मनोज अपने घर गाड़ी लेकर निकलता है। उसे याद नहीं होता कि आज अमावस की रात है। वो अपनी माँ को फोन करता है। माँ, मुझे जाने में जरा देर होगी, तुम खाना खा लेना। ठीक है बेटा, लेकिन तुम ध्यान से गाड़ी चलाना और जल्दी आना। हेमंत की माँ ठीक है कहकर फोन रख देती है। हेमंत को मनोज मिलता है। अरे हेमंत, आज तुम्हें देर हो गई। हाँ मनोज, आज शहर से दूर की सवारी थी इसलिए देर हो गई जरा। तुम्हें पता है ना, आज अमावस की रात है, तुम वो पुल पार करके घर मत जाओ। आज मेरे घर चलो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था भाई, मैं ये सब बातों को नहीं मानता। उल्टा मैं तो सोच रहा हूँ घर जाते जाते कोई और सवारी मिल गई तो मेरा फायदा हो जाएगा आज। अरे कब तक पैसों के पीछे भागते रहोगे? अपनी जान की कुछ परवाह है कि नहीं? मैं पैसों के पीछे नहीं भाग रहा, लेकिन जितनी जरूरत है उतने पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे ना। चलता हूँ मैं, तुम मेरी चिंता मत करो। हेमंत गाड़ी लेकर निकलता है। थोड़ी देर में वो शैतानी पुल पर आ जाता है। उसे कोई खड़ा हुआ दिखता है। वो सोचता है कि अच्छा हुआ सवारी मिल गई, थोड़े और पैसे मिलेंगे। वो गाड़ी उस आदमी के पास रोक देता है। वो आदमी गाड़ी में बैठ जाता है। अंधेरे की वजह से हेमंत को उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखता है। जैसे ही वो पुल खत्म होने वाला होता है, वो आदमी गाड़ी रोकने को कहता है। हेमंत को समझ में नहीं आता कि वो ऐसे बीच में ही क्यों रुक रहा है। फिर भी वो गाड़ी रोक देता है। वो आदमी फिर चलने लगता है। अरे भाई साहब, पैसे तो दीजिए। कैसे पैसे? आप यहाँ तक मेरी गाड़ी में आए उसके पैसे? लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था मुझे कहीं छोड़ने को। तुम खुद ही रुक गए और मैं गाड़ी में बैठ गया। हेमंत उस आदमी से बहस करने में लग गया और दोनों झगड़ने लगे। और गाड़ी की लाइट की रोशनी में उसने शैतान का चेहरा देखा। तब उसे पता चला कि वो कोई इंसान नहीं, शैतान है। और उसे मनोज की बात पर यकीन हो गया। अगली सुबह पूल पर जाने वाले लोगों को हेमंत की लाश दिखाई दी। उस शैतान ने हेमंत को मार डाला था। एक बार फिर से लोगों को यकीन हो गया कि वो शैतानी पूल है।